हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केरला रसोई। आज का मेरा रेसिपी है केले के पत्ते से बनाया हलवा। अब वीडियो पूरा देखिए, ये इतना अच्छा हलवा कैसे बनाया है। मैं इधर ये एक केले का पत्ता ले रखा है, इसको इसी तरह काट दीजिए, दोनों साइड से ऐसे काट के ये पोर्शन निकाल दीजिए। ये मिडिल पोर्शन हम निकाल दिया, इसके बाद बाकी केले का पत्ते को छोटा छोटा इसी तरह काट दीजिए। मैंने इसी तरह काट दिया। इसके बाद एक मिक्सी का जार में डाल के थोड़ा सा पानी भी देके इसको अच्छी तरह पीसना है। अभी इसको अच्छी तरह पीस के लाई, इसको अभी मैं एक छलनी से निकाल देंगे। इसी तरह छान लिया, अभी पूरा जूस मिल गया, इसको हम फेंक देंगे। और मैं इधर एक कॉर्नफ्लोर लिया है 2 चम्मच के लिए, इसको पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है। कॉर्नफ्लोर में पानी से मिक्स करके कढ़ाई में दिया, और साथ में ये जो केले पत्ते का जूस निकाल दिया वो भी दिया। अभी इसको हम पकाएंगे। अभी गैस ऑन किया, इसको पकाते रहिए। ये बॉईल हो जाएगा तब तक ये चलाते रहिएगा। इसके साथ में दीजिए 2 चम्मच चीनी। अभी इसमें उबल आने लगा, इसी टाइम हम डाल देंगे 1 चम्मच घी, फिर इसको चलाते रहिएगा। अभी ये 5 मिनट हो गया, ऐसे कंटिन्यू चलाते रहिएगा। अभी इसका पानी पूरा छोड़ के ये कम हो गया, इसी टाइम मैं अभी डाल रहे ये काजू और बादाम छोटा काट के रखा है, वो भी डाल के अच्छे से मिक्स कीजिए। अभी देखिए बर्तन से अपने आप छोड़ने लगे, इसी पे हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। घी भी देख के अच्छे से मिक्स करते रहिए, और थोड़ा 2 मिनट का ही काम है, 2 मिनट ऐसे पकाते रहिए। अभी पूरा बर्तन छोड़ रहे, अभी ये रेडी हो गया। देखिए पूरा पूरा अपने आप निकल रहे बर्तन से, इसी पे अभी हलवा मैं ये प्लेट में निकाल देंगे। इससे पहले मैं इसमें थोड़ा घी लगा रखा है, और ऊपर से दीजिए ये थोड़ा सा वाइट पील है, और हलवे को निकाल दीजिए ये प्लेट में। अभी हलवा प्लेट में दिया, इसको आधा घंटा 1 घंटे तक थोड़ा ठंडा होने दीजिए, इसके बाद हम काट सकते हैं। ऊपर से भी थोड़ा सा तेल डाल दिया। अभी इसको सेट कर दे करने दो थोड़ा आधा घंटे के बाद। अभी ये 1 घंटे हो गया, अभी पूरा से ठंडा हो गया, सेट हो गया। इसको अभी हम दूसरे एक प्लेट में डीमोल्ड करेंगे। निकाल दिया, देखिए कितना अच्छा हलवा है। ऐसे हमारा हलवा रेडी हो गया। केले का पत्ते का कोई बैड स्मेल भी, कोई टेस्ट भी अलग से नहीं है, बहुत अच्छा टेस्टी है। आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको आज का रेसिपी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।